जामिया में बच्चे मारे अंदर वर्मक है, बाथरूम में वर्मक है, आंसू गैस के गोले छोड़े, किसी के टांग टूटी, किसी की बांग टूटी, किसी के आँख सब बेकार हो गए, देखना भी बंद हो गया। जब हमने उनकी बात सुनी तो हमें बहुत एहसास हुआ, सरकार अब इतना बुरा कर रही है हमारे बच्चों के तहत, तो हमारा दम ना होगा तो हमारे बच्चों के तहत क्या करेगी सरकार? जब हमारे सामने ही कर रही है तो बाद में क्या करेगी? हाँ जरूर जाएंगे, भी आएंगे तो जब भी मिलेंगे, और जो हमें बुलाएंगे तो हमारी मांग भी मिलेगी। सी ए है, एन आर सी है, पी आर सी से वापसी दे दो, पैसे पहले से रहते आए ऐसा समय पर जैसे कोरोना है, इससे लड़ना है। अल्लाह ने हिम्मत नहीं है, ताकत भी नहीं बैठने की, अब बैठे रहे। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस वृद्धा का नाम शामिल किया गया जिसने टाइम पत्रिका का नाम अब से पहले शायद कभी नहीं सुना हो। टाइम मैगजीन में आने वाला वो नाम है शाहीनबाग की बिल्किस दादी। दरअसल 82 वर्षीय वृद्धा बिल्किस का नाम उस वक्त शाहीनबाग की बिल्किस दादी पड़ गया था जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में हुए आंदोलन का वो चेहरा बनी थी। टाइम 24 ने दादी से मुलाकात कर ये समझाना चाहा कि जिस नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध का दादी चेहरा बनी थी, आखिर दादी उसे कितना समझती हैं? इस वक्त हम यूपी के हापुड़ में हैं और हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में अपना नाम दर्ज कराया है, जिनका नाम है बिल्किस दादी। तो आइए, टाइम 24 न्यूज़ आज बात करेगा बिल्किस दादी से और कुछ सवालों के जवाब भी पूछेगा। आप ये बताइए, जिस तरह से 100 प्रभावशाली लोगों में आपका नाम आया है और दुनिया की जानी मानी मैगजीन में आपका जो है फ्रंट पर जो है खबर छपी है, क्या कहना है उसमें आपका? हमें क्या है, जामिया में बच्चे मारे, अंदर वर्मक है, बाथरूम में वर्मक है, आंसू गैस के गोले छोड़े, किसी के टांग टूटी, किसी की बांग टूटी, किसी के आँख सब बेकार हो गए, देखना भी बंद हो गया। जब हमने उनकी बात सुनी तो हमें बहुत एहसास हुआ, हम इसलिए वहाँ। अच्छा, सरकार अब इतना बुरा कर रही है हमारे बच्चों के तहत, तो हमारा दम ना होगा तो हमारे बच्चों के तहत क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करेगी। जब हमारे सामने ही कर रही है तो बाद में क्या करेगी? तो इसलिए बैठ रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर PM नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के अगर आपको मिलने के लिए बुलाएं तो क्या आप जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे, भी आएंगे तो जब भी मिलेंगे, और जो हमें बुलाएंगे तो पर हमारी मांग भी मिलेगी। CA है, NRC है, PRC से वापसी दे दो, पैसे पहले से रहते आए ऐसा। और समय पर जैसे कोरोना है, इससे लड़ना है, इससे निमट कर जब ही CA है, NRC के। अच्छा, जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आप दिल्ली में धरने पर डटे रहे, लाठियां भी चली वहां पर, गोलियां भी चली, तो फिर भी आप डटे रहे? हाँ, बस अल्लाह ने हिम्मत नहीं है, ताकत भी नहीं बैठने की, अब बैठे रहे। आप ये और बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है, एक महामारी है, तो उसमें जो है मतलब किस तरह से लोगों को लड़ना चाहिए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सही होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ साबुन से धोना चाहिए, और जो ये बीमारी की तरह दवा चल रही है इसे हाथों से मलना चाहिए, और कपड़ों की, अपने बदन की, अपने घर की सब सफाई होनी चाहिए। तो जिस तरह से मतलब आपका जो है 100 प्रभावशाली लोगों में नाम आया है, हापुड़ से हैं आप, तो हापुड़ के लोगों में क्या माहौल है और आप क्या महसूस करेंगे? हम तो उनको भी दुआई देंगे और जो कहेंगे सब भाई मिलजुल कर रहे हो, कैसे पहले से मिलजुल कर रहे ऐसा ही अब रहे हो। अच्छा, एक सवाल है, जैसा कि आप पहले जो है आप एक आम जो है महिला थी, लेकिन आज दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में आपका नाम आया है, आपको 100 प्रभावशाली लोगों में चुना गया है, तो
क्या कहना है आपका? क्या कहना है, कहना बेरोजगारों को रोजगार दो, बच्चे पढ़े हुए बैठे हैं उनको नौकरी दो, और किसानों को छूट दो, यही मांग है हमारी। और अच्छा बिल्किस दादी जी, ये बताइए, जैसे कि आप महिला हैं, आप 82 वर्ष की हैं, तो जब इस उम्र में इंसान आता है तो आप मतलब पीछे भूल जाता है, बिल्कुल इतना हो जाता है, तो जैसे आपकी उम्र है, आपकी जिस हिसाब से आप बैठी रही हैं, तो आप महिलाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यूँ कहेंगे, हिम्मत बात न करो, जरूर पढ़े, और तो की भी तो औरत घर से बाहर निकलो, यूँ नहीं है ना घर में ही काम करना, घर में ही रहना है, अरे हिम्मत बांध कर रहोगी तो कुछ पा लोगी, और जब घर में रहोगी तो क्या पाओगी, बाहर निकलोगे कुछ सीखोगी, बड़े बूढ़ों से सीखोगी कुछ, और घर में रहकर क्या सीखोगे, कुछ भी नहीं, जब बाहर इंसान निकलता जब ही सीखता, घर में बैठ कर कुछ नहीं सीखता। देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए 100 प्रभावशाली लोगों में से जिनका नाम चुना गया था वो बिल्किस दादी थी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को जो है या लोगों को जो है डटकर अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ नदीम नकवी, Time 24 न्यूज़, हापुड़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।